हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और वीडियो शुरू करने से पहले आज हम एक बंदे की केस लेने वाले हैं या उससे बहुत सवाल जवाब करने वाले हैं, तो बुलाते हैं उसको। आओ भाई, आ जा भाई। बोल क्या हुआ, तो किधर है इतने दिन से तू? कुछ वीडियोस नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई, कॉलेज चालू हो गए, असाइनमेंट्स मिलते हैं, पीपीटी बनाने पड़ते हैं, रोज का प्रोजेक्ट नहीं पाया, रोज का 5-6 घंटा मेरे को 360 सब्सक्राइबर तेरा वेट है, बहाने नहीं है भाई। और तू एक वीडियो नहीं डालता है। चल वीडियो डाल, जाता हूँ और जा कंटेंट सोच जा के क्या वीडियो बनाने का, और निकल इधर से जा। अरे तुझे ऐसा क्या बोल रहा है, अच्छे से ही बोल रहा हूँ, निकल। चल मैं जा रहा हूँ, वीडियोस बना देनी आ गए। अगर YouTube पे ग्रो करना है तो कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा ना, 2 महीने में एक वीडियो डालते यार ये लोग। चल मैं तो जा रहा हूँ, वो भी गया अपना कंटेंट ढूंढने। चलो नया ना आ जाने दो उसको, उसको क्या पता अपन 2 महीने में क्या क्या किए। गाइज जोक्स आर अपार्ट, बट आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 महीने से कुछ वीडियोस नहीं डाल पाया, और मैं इतना ज़्यादा फंबल मार रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत भी ऐसा लग रहा है कि छूट गई है। बट अब तो वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ धपाधप। एक टाइम था कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या वीडियोस बनाऊँ, और अभी लॉकडाउन में ऐसे टाइम आया था कि मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ थे कि मैं उसी में कन्फ्यूज हो गया था कि मैं क्या बनाऊँ। मतलब समझ रहे हो ना, अपने पास कोई सुपर बाइक है जिसके ऊपर मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, ना अपने पास कोई छोटा सा क्यूट सा बच्चा है जिसको मैं हमेशा अपने वीडियो में डालूँ और लोगों को दिखाऊँ। सो आई हैव नथिंग, बट आई हैव यू गाइज जो इतने दिन से सपोर्ट कर रहे थे, सो उनके लिए तो वीडियो बनाना बनता है, और कुछ ना कुछ तो टॉपिक में मैं बनाऊँ। बट अगर YouTube पे ग्रो करना है तो आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा, तो मिनिमम वीक में एक वीडियोज भी अगर मैं डालूँ तो भी कम है, लेकिन इट्स लाइक चल रहा है, काम चल रहा है बस, और कुछ नहीं। सो ये 2 महीने के पीरियड में मैंने बहुत कुछ किया है। फॉर एग्जांपल, जो अभी आप लाइट देख रहे हो मेरे फेस पे आ रही है, वो मैंने खुद से बनाया है, और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि मैंने किस तरीके से बनाया है। एक्चुअली मैं इसके ऊपर बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला था कि इसको कैसे बनाते हैं और कितने में बनाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कैसे बनाते हैं एंड एवरीथिंग आई वॉज गोइंग टू से इन दैट स्पेसिफिक वीडियो, बट मैंने वो प्लान ड्रॉप किया क्योंकि उतना अच्छा वीडियो का आउटकम नहीं आ रहा था। मैंने एडिट करके सब कुछ रेडी हो गया था, अराउंड 1 month अगो मैंने ये किया था। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मैं इतना मेहनत से बना रहा हूँ, लाइट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी जो आप लाइट देख रहे हो वो कूल लाइट है, और ऑलरेडी मेरे घर पे वार्म लाइट लगी हुई है, तो मुझे कूल लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जब भी मैं लाइट चालू करता था अपने घर की या मेरे रूम की, तो वो ऊपर से आती थी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से लाइट चालू करता हूँ तो ये जो शेडोज आते थे आग के नीचे वो आते थे। देखो लाइट एकदम स्ट्रेट आ रही है और फेस क्लियर दिख रहा है, और पीछे भी आप देख सकते हो लाइटिंग थोड़ा आपने किया, थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है अच्छा लगने के लिए। और अभी यहाँ पर मैं अपने बेड के इधर LED लाइट्स भी लगाने वाला हूँ, सो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। तो अभी और क्या बोलूँ मैं वीडियो में, देखो यहाँ ही खत्म हो जाती है वीडियो। तो अभी मैं देखता हूँ अगर आज कुछ इंटरेस्टिंग करने मिला, आज और कल 2 दिन है अपने पास ये ब्लॉग करने के लिए, तो आई डेफिनेटली शो यू। मिलते हैं कभी भी। सो गाइस, इट्स अराउंड 1 o'clock, और अभी आधे घंटे पहले मैंने खाना खा के हुआ है, और अभी जस्ट मैंने वीडियो शूट खत्म किया है। यहाँ पे रूम में देखो कितना ज़्यादा पूरा कबाड़ हो चुका है, तो इसको मुझे अभी ठीक करना पड़ेगा। और ये जो लाइट बॉक्स मैंने बनाया था बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। सो कल का स्केड्यूल कल शुरू करते हैं। आज तारीख है 2nd of August हो गई क्योंकि 12 बज गए। सो कल का वीडियो कल शुरू करते हैं। ओके, सो इट्स द नेक्स्ट डे, और अभी रात के बज रहे हैं एक बजने वाला है, और अब वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि मैंने आज के दिन किया संडे के दिन, वो वीडियो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सो आज की सुबह होती है मेरी लगभग 12 बजे, और उठते ही मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, चिल्ला कर गुड मॉर्निंग बोलता हूँ और सबको बता देता हूँ कि मैं उठ चुका हूँ। उसके बाद मैं सीधे ही जाता हूँ वॉशरूम और अपने आप को फ्रेशन अप करता हूँ, और ब्रश करते करते मैं कुछ बोलता हूँ। ओके, समझ में तो नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ तो बोला, शायद मैंने ब्रश बोला होगा कि मैं ब्रश कर रहा हूँ। अभी आधा दिन तो चला गया, 12 बज चुका है, उसके बाद हमारी शुरुआत होती है। सो सबसे पहले मैं उठकर अपने लिए कप में पानी गर्म करता हूँ। आप देख सकते हो कितने ही आराम से और मज़े लेकर मैं पानी गर्म कर रहा हूँ, और गर्म पानी पीना आपके जो बॉडी के लिए है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एप्पल साइडर विनेगर है, लेमन, हल्दी, कुछ भी डाल सकते हो। पहले मैं लेमन डालता था, और एक दो बार मैंने एप्पल साइडर विनेगर भी ट्राई किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे लिए सिर्फ गर्म पानी ही सही है, तो मैं उससे ही स्टिक रहा हूँ। उसके बाद मैं फटाक से जाता हूँ गर्म पानी पीते पीते, मैं पेपर पढ़ता हूँ। गर्म पानी में और भी कुछ डाल सकते हो तो डाल कर पियो। टेक्स मी अराउंड 1/2 hour पेपर पढ़ते पढ़ते,
और थोड़ा स्क्रीन टाइम भी कम हो जाता है अपना और रीडिंग भी हो जाती है, क्योंकि जब ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं तो हम लोग मोस्टली रीडिंग नहीं करते, सिर्फ सुनते रहते हैं और लिखते हैं। हाँ थोड़ा फॉर्मल जा रहा है लेकिन संभाल लेना। आगे मैं करता हूँ टाइम पास अपने फ़ोन में, खेलता हूँ थोड़ा गेम और वो मैं आपको नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो फुल टाइम पास वाला। बट उसके बाद 5 बजे मैं जाता हूँ नहाने के लिए और नहाने के बाद मैं खाना खाता हूँ और खाना मैं चुटकियों में ख़त्म करता हूँ जैसे आप लोग ने देखा। और अभी मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, ऐसे आपको दिखाऊंगा लास्ट में। और अब क्या, बस टाइम पास किया, उसके बाद रात होने का वेट किया, लास्ट में डिनर किया, वो भी मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वो भी एकदम नॉर्मल था, जैसे आप लोग डिनर करते हो वैसे मैं भी डिनर करता हूँ। एंड दैट्स इट, अभी 1 बज रहा है, कहाँ गया, अभी 1 बज रहा है और बस वीडियो बना रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं एंड द डेली रूटीन स्टार्ट्स अगेन। इट वॉज अ वेरी सिंपल वीडियो एंड आपको अगर सेटअप अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना। और स्क्रिप्ट भी है मेरे पास हाथ में, आपको स्क्रिप्ट भी बता देता हूँ, ये रफ स्क्रिप्ट है। अभी मैंने ऐसा स्टोरी टेलिंग फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना, इसीलिए मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, नहीं तो मैं स्क्रिप्ट वगैरह ब्लॉग के लिए लिखता नहीं हूँ। और स्टार्ट में जो लुक अलाइक आया था उसका भी स्क्रिप्ट मैंने लिखा हुआ था, क्योंकि बिना स्क्रिप्ट के तो मेरे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि इट वॉज आई ट्राइड समथिंग न्यू, सो इसीलिए बस आज का वीडियो यहाँ ही ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करूँगा पक्का बोलता हूँ, और कुछ ना कुछ तो बना दूंगा, प्लीज़ बेयर कर लेना कुछ भी बना लूँ तो। और मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी। नहीं, सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर ऑन दिस वीडियो। और अपने सब्सक्राइबर्स जो है 372 ऐसा कुछ हो चुके हैं, मैंने चेक नहीं किया था। थैंक यू एवरीबडी फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड लेट्स Take it to 400 and 500. सब आपके हाथ में, आप सब्सक्राइब करोगे तो नंबर्स इवेंचुअली बढ़ेंगे। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, till then bye, stay happy and peace out. अरे भाई, मैं गिरते गिरते बचाऊँ मैं।